course everybody, this is Mr. Khan back again with a new video baby. So guys, आज हमारा day 3 और आज हम जाने वाले हैं, मैंने बोला था ना कि daily vlogs आएंगे, तो आज हम जाने वाले हैं आलिया डैम। और तुम मेरा लुक देख सकते हो आज का, ये लुक मैं तुम्हें वहाँ जाकर बताऊँगा ठीक से पूरा क्या है क्या नहीं है। आज मैं पूरा एस्थेटिक बॉय बना हूँ, ठीक है। तो गाइस चलो चलते हैं एंड देखते हैं। Remember when you said it doesn't get better than this, only a fool to let you go. It got into my head, am I about to lose myself? Where will all of this fade away? 'Cause I see colors for the first time, I'm starting to realize nothing's ever black and white. And I'm caught up in the first night, now it doesn't feel right, I'll just have to say goodbye. तो गाइस हम जा तो अलग नहीं रहते, अभी बीच में हमें एक खेत दिखा और अभय ने परमिशन लिए खेत में फोटो शूट करने की। तो गाइस अब वापस शूट करके निकल चुके आगे, क्योंकि हमें तो अलनिया जाना है ना, तो अब हम वहाँ पे जाएंगे बिकॉज टाइम ना बहुत ज्यादा हो चुका है, शाम होने वाली है और हमें नाइट से पहले वापस भी आना है। तो गाइस हम आ चुके हैं अलनिया डैम एंड एक्चुअली हम यहाँ आए क्यों हैं, मेन तो हमें फोटो शूट करना है यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे नीचे ना बोट्स होती हैं, तो उन बोट्स पे जाके हमें फोटो शूट करना है एंड देन हम उस जगह को एक्सप्लोर करने चलेंगे अलनिया की दीवार को। शायद पानी भर रहा होगा तो बोट पे जाने के लिए हमें यहाँ से जाना पड़ेगा। ओह माय गॉड। सो गाइस नाउ लेट मी शो यू द व्यू। भाई साहब कातिल है मतलब। सो गाइस देखो मतलब ना सूरज ढलता जा रहा है और अब हमें यहाँ पे 20 मिनट तो हो चुके हैं और धीरे 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 ना सूरज ढल रहा है, इतना मस्त लग रहा है। बाकी एक चीज़ है, मुझे 2 फोन चाहिए, क्यों? इसकी वजह से जब से आया हूँ ना 20 मिनट से मैं ब्लॉग करने की कोशिश कर रहा हूँ और ब्लॉग हो ही नहीं पा रहा, पता है क्यों? बार 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 बस फोटो खींचे जा रहा है और मुझे ब्लॉग करना है, तो मुझे 2 फोन लेने पड़ेंगे। अब तुम जल्दी से जल्दी यार मेरे बन के करवा दो, ताकि मैं घर वालों को बोल दूँ कि मुझे नया फोन चाहिए एक और। बस हो गया फोटो शूट है ना, अब हम आ जाएंगे फोटो शूट करने। एंड वन सेकेंड, यार नजारा क्या मस्त नजारा है। I don't see the fire in your eyes, wondering what I've done wrong. Those words are kinda hard to find, so I just had to write this song. I don't wanna see you cry again, and no matter how the story ends, I'll always be there for you. 'Cause I see colors for the first time, I'm starting to realize nothing's ever black and white. And I'm caught up in the first night, now it doesn't feel right, I'll just have to say goodbye one last time. अरे भाई एक टेप, ओ ये गाइस ये एक नंबर चीज है इसके फोन में, पता है मेरे फोन में ये चीज नहीं है। मतलब ये चीज है, मैं जैसे मैंने स्क्रीन को टेप किया ना, तो मतलब बैक कैमरा स्टार्ट हो गया और फ्रंट कैमरा स्टार्ट हो गया। गरीबों के फोन में नहीं आता है। देर से बढ़िया नहीं तो फोटो मत लियो मेरे फोन, अमीरों के फोन में फोटो लेना तो मेरा फोन है ना। सो गाइस सूरज पूरा ढल चुका है, मतलब शूटिंग शूट में इतना टाइम निकल गया हमारा तो पता ही नहीं चला, क्योंकि और यहाँ पे इतनी मस्त वाइब है ना, मतलब तुम खुद देखो हवा चल रही है, हमें बोट भी मिल गई थी, हमने इसमें भी शूट कर लिया। और जिसे भी देखने हैं फोटोग्राफ्स कैसे हैं, तो मेरे इंस्टाग्राम आईडीज पे जाओ, मुझे उस पर सब्सक्राइब करो, उस पर तो फॉलो करो, इस चैनल को सब्सक्राइब करो और तुम उसमें चेक कर सकते हो कि मैं जहाँ भी जाता हूँ ना मेरे ब्लॉग्स में, मैं उन जगहों पर किस तरह से फोटोग्राफी करता हूँ और किस तरह की फोटोज आती है तुम देख सकते हो। तो भाई जाओ जाकर उस पर भी फॉलो करो, इसको भी सब्सक्राइब करो। सस्ते ना से खत्म ही हो रहा है।
ये देखो नशे, नशा है, नशा, ये नशा है। गेम जंगल निकल के प्यास लगने लगी यार। शेर पीछे पड़ गया था, दो सांड मिले, दो सांड पीछे पड़ गए थे, दो सांड पीछे पड़ गए थे, बड़ी मुश्किल से। देखो सुनसान हो रहा है लगा। गाइस गला सूख गया बहुत बुरा, सच कह रहा हूँ। ब्लॉगिंग हिम्मत नहीं हो रही है, मैं वरना मैं कूदने वाला था। हरवाज भाई बन के आए थे एस्थेटिक के 14, जैसे कि देख सकते हो गाइस, एस्थेटिक के 14 साले। आउटफिट आप रेट करिए। हाँ गाइस, मतलब मेरा आउटफिट कैसा लग रहा है यार? अभी अभी हो सकता है थोड़ा ऐसा हो गया होगा, आया था ना तब मैं बहुत मस्त आया था। शाम पड़ गई यार, घर चलना है, भूख लग रही है, प्यास लग रही है, बहुत बुरी प्यास लग रही है, कहीं ना कहीं चलेंगे। देखो गाइस क्या मस्त रोड है, मतलब अब पूरा पक्का बन चुका है, पहले ना बहुत कच्चा था, तो अब तुम्हें बिल्कुल परेशान नहीं होगी अगर आना भी हो तो। सारे जानवरों की आवाज़ आ रही है भाई साहब। अबे शेर निकल के आएगा उधर से, क्या मस्त नजारा है। बहुत मस्त है, जैसा कि आप देख सकते हो हमारे सामने रोड है गाइस, रोड आप बिल्कुल सही हो चुका है, ये अलग बात है, यहाँ पे कोई इंसान नहीं है, जंगली जंगल है पूरा। तो गाइस हम अलनिया से तो आ चुके हैं, हम कुछ पीने आए हैं, मतलब क्योंकि क्या है गला बहुत सूख रहा है ना, तो मेरे कुछ पीने का मन कर रहा है, तो गाइस चलो चलते हैं अंदर। तो गाइस मैं आ चुका हूँ घर, और आज का ब्लॉग मुझे पता है थोड़ा छोटा था, बिकॉज शाम हो चुकी थी एंड मैं उतना ही ले पाया, लेकिन डेली ब्लॉग है तो धीरे धीरे मैं बनाता जाऊँगा, ठीक है। मैं दिन भर का भी सोच रहा हूँ कि जैसे सुबह से उठूँ तब से बनाऊँ कि मैं क्या क्या कर रहा हूँ। तो अगर तुम्हें उस तरह का ब्लॉग चाहिए तो तुम कमेंट करना, ठीक है। और मैंने जो आज फोटोग्राफ लिया तुम जाकर चेक कर सकते हो मेरे इंस्टाग्राम पर, एंड आई होप यू लाइक दिस वीडियो, इफ यू डिड मेक श्योर टू सब्सक्राइब माई चैनल, सी इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन स्टे ऑसम बेबी, बाय।